राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के लिए पेरिस जा रहे भारतीय दल से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह दल भारत का गौरव बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य बोर्ड की 33वीं बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने जीवन दर और स्वास्थ्य परिणामों में हुए सुधार पर भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में गतिशक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे इस ग्रीष्म ऋतु में लगभग 10,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कांगो गणराज्य के स्थायी सचिव मेजर जनरल लुकुइकिला मेटिक विजा मार्सेल के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और अन्य पारस्परिक हितों पर भी वार्ता की। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पाद 1.26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक रहा।